A spring requires 46 joule of work to extend it by 12 centimeter and 270 joule of work to extend it by 27 centimeter. Is the spring force linearly varying with stretch? देखिए, हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है और फिर बन जाता है के एक्स। अब के नहीं बदलता दबाने स्प्रिंग पर या एक्सटेंड करने पर, तो के सेम रहना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम ये साबित कर पाए कि एफ वन बाई एफ टू एक्चुअली एक्स वन बाई एक्स टू है, तो हम कह सकते हैं कि लिनियरली वेरी कर रहा है, क्योंकि के तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो पहले ज़रा निकाल लेते हैं एफ की वैल्यू कितनी। तो केस वन में हमारे पास 46 जूल ऑफ वर्क था, विच इज़ हाफ एफ एक्स। हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, एफ एक्स बाई टू लगाते हैं एक्सटेंडिंग या कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, और इसमें वैल्यू रख दे तो 92 हो जाएगा, और एक्स कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो इट विल बी 0.12। एक्स नीचे आ गया तो हमारा एफ आ गया 1, एफ 1, सो दैट विल बी 9200 डिवाइड बाई 12, दैट इज 4600 डिवाइड बाई 6 एंड 2300 डिवाइड बाई 3। सो ये तो आ गया एफ 1। केस टू में हमने फोर्स वर्क डन था 270 इज इक्वल टू हाफ एफ टू एक्स टू, इसे 1 1 कर लो, सो दिस इज 540 डिवाइडेड बाई 27, तो आई टेक 0.27 इंटू 100, तो ये आ गया 20 टाइम्स, दिस इज 2000। ना अगर अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं एफ वन एफ टू को, सो एफ वन बाई एफ टू कितना निकल के आता है, 2300 बाई 3 डिवाइड बाई 2000, सो आई एम गेटिंग 23 डिवाइड बाई 60। ये हमारा आंसर आ रहा है, अगर हम सॉल्व भी करना चाहते हैं वेरी क्लोज टू 0.4 आ जाएगा, ठीक है, वेरी क्लोज टू। और अगर हम एक्स वन बाई एक्स टू देखें कितना आ रहा है, एक्स वन इज 12 और एक्स टू इज 27, दैट इज 3 4 ज़ा 3 9 ज़ा, सो आई एम गेटिंग 0.44 एंड सो ऑन। तो काफ़ी अंतर है, ये 0.4 पूरी तरह है भी नहीं, ये तो 0.4 से थोड़ा कम है, और ये 0.545 के आसपास आ रहा है। तो क्योंकि दोनों बराबर नहीं निकले तो हम कह सकते नॉट लीनियरली, स्प्रिंग फोर्स नॉट लीनियरली वेरिंग विद द स्ट्रेच, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।